नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ उमा प्रभाकरण। हमारे इस कार्यक्रम वैदिक विचार में आज का विषय है अमेरिका को झुकाया भारत ने। यूक्रेन के बारे में भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि हमारे रक्षा और विदेश मंत्रियों की इस वॉशिंगटन यात्रा के दौरान कुछ न कुछ अप्रिय प्रसंग उठ खड़े होंगे, लेकिन हमारे दोनों मंत्रियों ने अमेरिकी सरकार को हम भारत के पक्ष में झुका लिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वह संयुक्त विज्ञप्ति है जिसमें यूक्रेन की दुर्दशा पर खुलकर बोला गया, लेकिन रूस का नाम तक नहीं लिया गया। उस विज्ञप्ति को आप ध्यान से पढ़े तो आपको नहीं लगेगा कि वह भारत और अमेरिका की संयुक्त विज्ञप्ति है, बल्कि यह भारत का एक एकल बयान है। भारत ने अमेरिका का अनुकरण करने के बजाय अमेरिका से ही भारत की हाँ में हाँ मिलवा दी। अमेरिका ने भी वही शब्द दोहराए जो यूक्रेन के बारे में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता रहा है। दोनों राष्ट्रों ने न तो रूस की भर्त्सना की और न ही रूस पर प्रतिबंधों की मांग की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह मांग जरूर की कि दुनिया के सारे लोकतांत्रिक देशों को यूक्रेन के हमले पर भर्त्सना करनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन की जनता की दी जा रही भारतीय सहायता का भी जिक्र किया और रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों का भी। ब्लिंकन ने भारत रूस संबंधों की गहराई को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया। भारत प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी चौगटे के साथ अपने संबंध घनिष्ठ बना रहा है। इस यात्रा के दौरान दोनों मंत्रियों ने अंतरिक्ष में सहयोग के नए आयाम खोले। अब अमेरिकी जहाजों के मरम्मत का ठेका भी भारत को मिल गया है और अब भारत बहरीन में स्थित अमेरिकी सामुद्रिक कमांड का सदस्य भी बन गया है। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने भारत में मानव अधिकारों के हनन का भी सवाल उठाया है। जयशंकर ने उसका भी करारा जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि पहले बताइए कि आपके देश में ही मानव अधिकारों का क्या हाल है। अमेरिका के काले और अल्पसंख्यक लोग जिस दरिद्रता और असमानता को बर्दाश्त करते जा रहे हैं, उसे जयशंकर ने बेहिचक रेखांकित किया। जयशंकर का अभिप्राय था कि अमेरिकी की नीति पर उपदेश कुशल बहुतेरे की नीति है। जहां तक रूसी S-400 प्रक्षेपास्त्रों की खरीद का सवाल है, उस विवाद मुद्दे पर जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह पाबंदी का अमेरिकी कानून है, इसकी चिंता अमेरिका करे। वह किसी खरीदार पर पाबंदियां लगाएगा या नहीं, यह हमारी चिंता का विषय नहीं है। जयशंकर पहले अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं, उन्हें उसकी विदेश नीति की बारीकियों का पता है, इसलिए उन्होंने भारत का पक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में कोई कोताही नहीं बरती। आज के इस महत्वपूर्ण वैदिक विचार के लेखक, अंग्रेजी हटाओ के कर्णधार, भारतीय विदेशी नीति परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हैं। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।